अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी अनकही मोहब्बत की, एपिसोड 39। प्रीवियस पार्ट में नहीं बोलूँगी, सीधा स्टोरी शुरू करते हैं। सो मायशा और पंखुरी जब नीचे जाते हैं डिनर करने के लिए, तो जब इन दोनों को आते देखते हैं सब लोग, तो अबीर तो मुस्कुरा था, अबीर तो हंस रहा था मायशा को देख के। तब जब ये लोग आते हैं एकदम से मायशा बोलती कि भाई, तो बोलते हाँ मायशा बोलो। तो बोलती क्या हुआ, मेरे फेस पे कुछ लगा है? तो बोलते नहीं, तो अच्छी दिख रही हो तुम, तो नेचुरल ब्यूटी हो यार। तो बोलते अच्छा, तो आप इतनी दांत दिखा के हंस क्यों रहे हो? तभी वो एकदम से बोलते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं हंस नहीं रहा था, लेकिन वो क्या है ना, मैं अपनी बहन को देख के थोड़ा शौक हूँ कि मेरी बहन तो भाई फाइटर है, शेरनी है, और आज तो इसका ये रूप भी देख लिया। तो मायशा एकदम से बोलते कौन सा रूप? वही बीवी से डरने वाली। तो जब ये बोलते हैं तो मायशा तो एकदम घूर के देखते हैं। तभी पंखुरी बोलते हैं जीजा जी। तो बोलते हैं हाँ जी भाभी बोलिए। तो फिर बोलते जीजा जी प्लीज़ आप मुझे भाभी तो मत बुलाओ यार। तो बोलते क्यों भाई, रिश्ते में तो तुम हमारी भाभी हो। तो बोलते आप भी ना। तो ये लोग जो है वो डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद जो है पंखरी जो है वो सबको बोल के वो अपनी रूम में चली जाती है, पलक कभी बोल के। तो जब वो ऊपर जाती है तो मायशा एकदम से जो है सबको, जो घर वाले के सारे हैं, वो एकदम से बोलती कि मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। तो जब ये बोलती है तो पलक एकदम से बोलती कि अरे वो तो चली गई, क्या बात करनी है, वो तो चली गई, रुको मैं बुलाती हूँ। तभी एकदम से बोलते भाभी नहीं, उनको जाने दो, उनको नहीं बतानी है ये बात इसलिए। तो बोलते अच्छा ऐसी कौन सी बात है भाई? तो बोलती कि 2 मिनट पहले सुन लीजिए ना। तो बोलती ठीक है बता। तभी एकदम से जो है मायशा बोलती कि वो मैं पंखुरी जी के। तो बोलती तो एक भी एकदम से पलक बोलती यार ये मैं क्या लगा के रखे है तुमने, ठीक से बोलो ना, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, कुछ इश्यू हुआ है? तो मायशा एकदम से बोलती नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, आप शांत रहो, पहले बात सुनो। तो बोलते हाँ बोलो ठीक है। तो एकदम से बोलती कि मैं पंखुरी जी के साथ जो है इंडिया जाना चाहती हूँ। तो जब ये बोलते तो जो पलक है वो बोलती कि अच्छा तो अच्छी बात है ना, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है, तुम जा सकते हो भाई, बीवी तुम्हारी है, हक तुम्हारा है, अगर तुम साथ जाना चाहो तो जाओ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और हमें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, बल्कि हम खुश होंगे। तो बोलते हाँ ठीक है, लेकिन मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बोला कि वो अकेले जाएगी, पर मुझे नहीं लगता कि मैं उनको अकेले जाने दूँ। तो पलक एकदम से बोलते हाँ तो मत दो, खुद चले जाओ, क्या बात है? तो बोलते हाँ वही तो, मैं जाना चाहती हूँ उनके साथ। तभी वो एकदम से अपनी मॉम की तरफ देखती है और बोलती कि क्या मैं जा सकती हूँ मम? तो उसकी मॉम भी बोलते बेटा ज़रूर जा सकती हो तुम, ये भी कोई पूछने वाली बात है? और मैं तो हमेशा तुमसे कहती हूँ कि बेटा खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालो, घूमने जाओ, तुम्हारी तुम्हारे उम्र के जो सारे लड़के हैं वो लोग इंजॉय करते हैं, सिवाय तुम्हें तो बस ऑफिस घर ऑफिस घर, इसके बाद तो और कुछ नज़र ही नहीं आता। और ये अच्छी बात है, मैं भी तुम्हें ये बोलने वाली थी कि अगर तुम जा सको उसके साथ तो चले जाना। तो जब सब लोग बोलते तो मायशा को अब
कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती कि ठीक है सब लोग मान गए, तभी वो फिर से बोलती कि देखिए आप लोग उनको अभी मत बताना कि मैं भी जा रही हूँ उनके साथ, ये बाद में मैं बताऊँगी। तो विपला के एकदम से ओहो, तो सरप्राइज देने का इरादा है, अरे आप पहले बोल देते, हमने तो इरादा कर लिया कि अभी जाके उसकी जो है उसको सरप्राइज करेंगे। मैं तो वो बोलते नहीं भाभी अभी अभी कुछ मत बताओ आप, तो बोलते ठीक है नहीं बताऊंगी। फिर जो है सब लोग वैसे ही डिनर अपना अपना डिनर करते हैं, जो अभी है वो अपनी रूम में चला जाता है, मायशा जो है वो भी जाती है अपनी मॉम से बाय करके, सबको बाय करके अपनी रूम में जाती है। तो जब रूम में जाती है तो देखती है कि पंकुरी ने ड्रेस चेंज कर लिया, अपनी जो नाइटी थी वो पहन लिया तो, और एक साइड पे बेड पे बैठी थी और कुछ सोच रही थी। तभी एकदम से मायशा जाती है और बोलती है कि डोर नॉक करती है और बोलती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तभी एकदम से पंकुरी देखती है और बोलते रूम तुम्हारी खुद की है और तुम परमिशन मांग रही हो, और एक चीज़ तुम ऑलरेडी अंदर हो तो परमिशन क्या क्या बात है। तो बोलते अच्छा ठीक है, तो उसके पास जाके बैठ के एक साइड पे बैठती है और बोलती कि आप ठीक हो। पंखुरी बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो बोलती आपकी जो सगी जोट है वो ड्रेसिंग करनी होगी, क्या मैं करा दूँ? तो बोलते हाँ ठीक है। तो जो है वो फर्स्ट एड बॉक्स लेती है और उस जगह को पहले जो है डेटॉल से जो है क्लीन करती है, और जो एक क्रीम दिया गया है वो क्रीम जो है वो लगाती है। ये जो कर रही थी वो एकदम उसके सामने थी, उतनी एकदम से उसकी पास थी, इतनी करीब थी। तो हमारी पंखुरी जी की तो भाई दिल की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है इतनी करीब देख के। और फिर जो है वो जैसे खुद को एकदम कंट्रोल करके रखती है, क्योंकि गलती बहुत बार उसने कर दी थी अपने आप को कंट्रोल ना करके, तो इस बार ऐसा नहीं होता। इस बार वो बहुत स्ट्रॉन्ग वे में खुद को संभालती है, वो कंट्रोल करती है वो चीज़। जब मायशा जो है उसके जो है सर के ड्रेसिंग कर रही थी तो पंखुरी बस एक टक नीचे देख रही थी, उसकी तरफ भी नहीं देखती है। तभी जो है जब ये ख़त्म होती है तभी एकदम से मायशा सीधी होती है और थोड़ा सा पीछे आ जाती है। तभी एकदम से पंखुरी बोलती है मायशा, तो बोलते हैं हाँ जी बोलिए। तो पंखुरी एकदम से बोलती क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ? तो मायशा बोलती कि हाँ कर सकती है। तो जब ये बोलती है तो एकदम से वो उठती है और मायशा को बहुत टाइटली हक करती है, मायशा भी उससे हक बक करती है और बोलती क्या हुआ ठीक हो आप? तो मायशा पंखुरी बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। कुछ देर बाद ये लोग ऐसे ही एक दूसरों को हक किए हुए रहती है, तभी एकदम से जो है पंखुरी पीछे हो जाती है और जब वो पीछे होती है तो बोलते थैंक यू। तभी एकदम से मायशा बोलती है कि आपकी दवाई ले लीजिए आप। तो पंखुरी भी बोलती है हाँ ठीक है, तो दवाई लेती है। और एक जो है दवाई लेने के बाद वो बेड के दूसरी कॉर्नर पे जाके सो जाती है। तो मायशा एकदम से जब देखती है कि वो तो दूसरी तरफ देख के सो रही है तो एकदम से बोलती है कि आप अब भी मेरे से नाराज़ हो? तो पंखुरी बोलती नहीं तो नाराज़ किस बात की?
बोलते तो फिर आप उधर सोए, तो बोलती जब जो ये बोलती है तो पंखुड़ी एकदम से जो उसकी तरफ पलटती है और थोड़ा सा जो है उसके पास जाके सो जाती है, लेकिन उसे हग नहीं करती है, वो बस वैसे ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो जब मायशा ये देखती है तो उसे अब आदत हो चुकी थी अपनी बाहों में पंखुड़ी को कैद करके सोने की। तो वो जो है एकदम से जो है तो उसकी थोड़ी पंखुड़ी के करीब थोड़ी सी खिंचकती है और एकदम से उसको अपनी तरफ खींचती है और अपनी बाहों में लेके एकदम से टाइटली वाला हग दे के सो जाती है। तो पंखुड़ी को भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वो आंखें बंद किए हुए ही उसकी फेस में क्यूट सा स्माइल आ जाती है। वैसे ही जो है वो रात जो है वो जैसे तैसे ख़त्म होती है। अगले मॉर्निंग एज यूजल सब लोग अपने अपने कामों में। आज जो है स्कूटी लेके गई है पंखुड़ी अपनी उस चैम्बर पे। तो अबीर और जो मायशा है ये ऑफिस चले जाते हैं और इधर जो है जब पंखुड़ी वहाँ पहुँचती है चैम्बर के तो उसकी जो मैडम है वो अभी तक नहीं आई है। तो आकाश जब उसको देखते तो बोलते वेलकम वेलकम मैडम। तो बोलते हाँ। तो बोलती कैसा रहा कल का दिन? तो बोलते दिन ठीक रहा। क्यों? बोलते नहीं, आप जिस अंदाज से गए थे तो हमें तो शक था कि आपकी दिन पता नहीं कैसे जाए। वैसे आपकी दिन तो जैसे तैसे जाएगी, पता नहीं हमारी मायशा जी की दिन कैसे जाए गई। तभी जो एकदम से बोलते तुम क्या मजाक कर रही हो क्या? तभी एकदम से उधर से जो उसकी मैडम रूम पे एंटर करती है। बोलते नहीं, मजाक नहीं भाई, तुम तो उसकी जैकेट ही जला दी भाई। पंखुड़ी आई एम शॉक, इतनी पॉजिटिवनेस उसको लेकर, वो भी तब जब वो तुमसे शादी कर चुकी है तब भी। तभी एकदम से पंखुड़ी बोलती कि देखिए जो चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती वो भला मैं बर्दाश्त क्यों करूं? ना मुझे उसके आसपास किसी को पसंद है और ना वो किसी के आसपास पसंद है। तो उसकी मैडम बोलती भाई ये मोहब्बत, चलो अच्छी बात है, हैप्पी फॉर यू, लेकिन हाँ इतनी भी गुस्सा मत रहो, थोड़ा सा रिलैक्स रहो, माइंड रिलैक्स रखना हमेशा। एक साइकिल एक जो है एक साइकोलॉजिस्ट हो, सो तुम्हें बातें समझाने की कोई ज़रूरत तो है नहीं मुझे फिर भी। तो तुम जी, तो ऐसे ही जो वो लोग अपने जो काम है वो ख़त्म करने लगते हैं। लंच आवर पे जो है मायशा पूछती है कि खाना खाया और मेडिसिन लिया एज यूजल। वो बोलती कि ले लिया। तो थोड़ी देर टेक्स्ट पे बात होती है, फिर जो है वो अपने अपने काम करती है। जब शाम होती है तो अभी बोलते हैं तो चले घर। तो एकदम से बोलती कि पंखुड़ी जी चले आई क्या घर पे? तो बोलते हाँ वो चली आई है, चलो आज कोई वैसा वैसा चीज़ नहीं है, तुम्हें जानी नहीं पड़ेगी, वो चली आई है घर। तो बोलती ठीक है चलो। तो ये लोग घर जाते हैं, वैसे ही रूटीन होता है, घर जाते हैं फ्रेश होके आते हैं डिनर करते हैं कुछ बातें करते हैं और अपने रूम में जाके सो जाती है। इस रूटीन ही कंटिन्यू होती है 2 हफ्ते तक। अब समय आ चुकी थी कि ये लोग इंडिया जाए, लेकिन पंखुड़ी को इस बात का कोई इल्म ही नहीं है कि उसके साथ जो है मायशा जा रही है। इन 2 हफ्तों में जो अबीर है उसके जो सोर्सेस थे वो मायशा के जो सारे प्रॉब्लम सारे जो इश्यूज थे
पासपोर्ट को लेकर या फिर वीसा, वो सारे जो है वो कंप्लीट करा देता है, सब कुछ ओके करा देता है, उसका वीसा भी वो पास करा लेती है। बारी आती है कि अगले दिन जो है पंखुरी जाएगी इंडिया, तो वो उसकी मैडम से आकाश से वो बाय बोल के चली आती है। तो उसकी मैडम भी बोलती है कि देखो यार जल्दी आ जाना, तो बोलते हैं हाँ हाँ तो जब वो घर आती है तो जो अपनी जो है पैकिंग वगैरह वो सब कर रही थी, तो उसकी पलक के जो सासू मोम है वो लोग जो है पलक की मोम के लिए बहुत कुछ देते हैं उनको। तो एकदम से पंखुरी बोलती है मैं अकेले जा रही हूँ, आप लोग तो यार सामान पे सामान दे रही हो। तो बोलती कि कोई बात नहीं, तुम थोड़ी ना लेके जाओगे, वो तो प्लेन में जाएगा ना, फिर गाड़ी से जाएंगे ये लोग, तुम्हें थोड़ी ना उठानी पड़ेगी। तो बोलते हाँ लेकिन इतनी सारी सामान मैं अकेली क्या। तभी एकदम से जो है मायशा की मोम एकदम से बोलने वाली थी अरे तुम अकेली कहाँ हो, तभी एकदम से जो है पलक की सासू मोम बोलती उनके हाथ पकड़ लेते, थोड़ा सा प्रेस कर लेते। तभी मायशा ये चीज़ देखती बोलती क्या मतलब मैं अकेली नहीं। तो मायशा की मोम तो थोड़ा सा चुप हो जाती है और बोलती क्या बोल रही थे आप मोम। अंकुरी बोलते तभी एकदम से मायशा की मोम कवर अप करने के लिए बोलती बेटा तुम थोड़ी ना अकेले जाओगे, एयरपोर्ट तक तो अबीर और मायशा जाएगी तुम्हारे साथ। तो बोलते अच्छा ठीक है। तो ऐसे ही वो अपनी अपनी जो है करती है, पैकिंग वगैरह जो सब कुछ करती है। फिर जब मायशा और अबीर पहुँचते तो ये लोग जाते फ्रेश होके डिनर करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन ऐसा होता है कि दोपहर की फ्लाइट थी कि करीब 5 घंटे लगते थे इंडिया पहुँचने में, ये लोग जहाँ जा रहे थे। तो एकदम से जो है सुबह जब सब लोग उठते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, तो आज जब पंखुरी देखती कि ना अबीर ऑफिस जा रही है जा रहा है और ना मायशा, तो एकदम से बोलती कि क्या बात है आप दोनों का क्या आज ऑफिस नहीं है। तो मायशा बोलती कि वो हमें जाना तो है लेकिन लेट है। तो बोलती क्या मतलब, तो बोलती मतलब हम आपको पहले एयरपोर्ट छोड़ेंगे फिर जो है जाएंगे। तो बोलते अच्छा तो ये बात है। तो हाँ फिर जो है वो थोड़ी बहुत और बातें करती है, जो और भी कुछ खाने की जो चीज़ें हैं वो पैक कर रही थी, जो पलक की मोम और मायशे की मोम मिलके ये लोग पैक करके देते हैं। ऐसे ही करते करते करीब दोपहर हो जाती है, तो 1-2 घंटे पहले ही ये लोग जो है जाने के लिए बोल रहे थे। तो ये लोग रेडी हो जाती है। मायशा जो है वो जैसे वो हमेशा ऑफिस जाती है ना ऐसे जाती है, लेकिन आज थोड़ी सी अलग है। तो एकदम से जब पंखुरी देखती है तो बोलती क्या तुम आज इतनी तैयार हुई हो, कहाँ जाना है क्या। तो हमेशा बोलती है नहीं आपको एयरपोर्ट छोड़ना है फिर जो है ऑफिस। तो बोलते अच्छा लगता तो नहीं है। तो बोलती नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो है ये लोग जाने के लिए तो रेडी हो चुके थे, तो अब एक एक करके सबसे बाय बोलते हैं। तभी जब है पलक की जो सॉरी मायशा की जो भाई है वो भी आता है और एकदम से पंखुरी को हक करते बोलते भाभी माँ मैं आपको बहुत मिस करूँगा, जल्दी आ जाओगी ना आप। तो वो बोलते कि हाँ बेटा जल्दी आ जाऊँगी, तुमसे थोड़ी ना दूर रहूँगी, तुम्हें क्या चाहिए बोलो मैं लेके आऊँगी। तो जो है वो बहुत सारा खिलौना और जो है चॉकलेट के लिए बोलते। तो बोलती ठीक है मैं आपकी सारी चीज़ें ले आऊँगी। तभी जो है वो एकदम से जो है मायशा के पास जाता और उसे बहुत टाइटली हक्का। तो बोलते जीदू आपको भी बहुत मिस करूँगा। तो दीदी बोलते बेटा
आहिस्ता बोलो, वो सुन लेगी। तो बोलते ठीक है मैं भी आपको मिस करूँगी, आप जल्दी आ जाओगी ना। तो बोलते हाँ बेटा मैं जल्दी आ जाऊँगी, आपको पता है ना आपको क्या करना है। तो बोलते हाँ मैं गुड बॉय हूँ ना, मैं मम्मी का ध्यान रखूँगा, भाभी का ध्यान रखूँगा, भैया का ध्यान रखूँगा, आंटी का ध्यान रखूँ, सबका ध्यान रखूँगा और खुद का भी। तो बोलते ये हुई ना बात। तो बोलते ठीक है तो आप मेरे लिए चॉकलेट लाओगे ना। तो बोलते बेटा आप, मैं भले ही आप पे ना रहूँ पर भाई आपको चॉकलेट हर रोज़ लेके देगी। तो बोलते सच्ची? तो बोलते हाँ। तो जो है वो जो है अपनी मॉम से को इशारा करती है। तो जो है वो सब लोगों को बाय बोल के वहाँ से जाने लगते हैं। तभी पलक एकदम से बोलते मुझे भी जाना है एयरपोर्ट। तो अबीर बोलते पर इस हालत में तुम एयरपोर्ट? तो बोलते तभी एकदम से पंखुड़ी बोलते कोई बात नहीं जीजा जी, चलो वैसे भी तो आप वापस आ ही जाओगे। तो बोलते ठीक है। तो उधर इससे पहले जो है इनकी सारा सामान जो है गाड़ी में पहुँचा के दे, जो नौकर थे वो लोग सूटकेस वगैरह जो थे वो गाड़ी में रख दिए थे। तो जब ये लोग जाते हैं सब लोगों को, भाई मायशा अपनी मोम को हक करती है और मायशा की मोम उसको सर पे सहलाती है और बोलती है उसका ध्यान रखना और खुद का भी। तो बोलते हाँ। और जाते जाते उसकी माँ एकदम से बोलती बेटा दूसरों से ज़रा बस के रही हो, अपनी बीबी से डरी हो। तो जब ये बोलते तो मायशा घूर के देखती है और पलक की सासू मामू भी हंस रही थी। तो ये लोग जो है वहाँ से निकल जाते हैं। करीब 40-45 मिनट बाद जो है ये लोग पहुँच जाते हैं एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट पर से वो बोर्डिंग वगैरह वो जो पासपोर्ट वीसा ये जो चेक कर रहे थे तो वहाँ पे जाने लगते हैं। तो सब लोग जब ख़त्म होते तो करीब और भी आधा घंटा शायद बाकी था। तो ये लोग बैठते हैं तो मायशा पंखुरी एकदम से बोलती आप लोग अभी तक क्या कर क्या रहे हो, चले जाओ ना, क्या बात है, आधा घंटा है मैं चले जाऊंगी। तभी जो है बोलती है हाँ तो क्या। तभी एकदम से पंखुरी के फ़ोन पे उसकी जो मैडम है उसका जो है कॉल आती है और एकदम से बोलती कि अरे पंखुरी जी कहाँ है आप? तो बोलते मैं एयरपोर्ट पे ही हूँ, बैठी हूँ थोड़ी करीब 35 या 30 मिनट्स बाद जो है मेरी फ्लाइट है। तो बोलते अच्छा तो आप संभाल के जाइएगा और अपना ध्यान रखना और खुश रहो, इंजॉय योर लाइफ बेबी। तो बोलते इंजॉय क्या करना है? तो बोलती नहीं ऐसे ही बोली मैंने। तो बोलते हाँ। तो एकदम से बोलती क्या मायशा आसपास है? तो बोलते हाँ है। तो बोलते हाँ ज़रा उनको दीजिए। तो वो फ़ोन देती है, तो जब मायशा फ़ोन लेती है और थोड़ी सी साइड होकर बात करती है तो पंखुरी ये देख के उसको थोड़ी सी अजीब लगती कि ऐसी क्या बात करनी है साइड होके। तो जब जो मायशा है वो बात करती है कि हाँ तो जो डॉक्टर है बोलती है कि देखिए मैं जानती हूँ आप भी जा रही हो। तो बोलते हाँ मैंने ही तो बताया आपको। तो बोलते हाँ तो जाओ आप लोग इंजॉय करो। तो बोलते कि कैसा इंजॉय? तो बोलते अरे देखो नई नई शादी हुई है तो जाओ, इसे तो भाई हॉलीडे समझ लो। तो बोलते ऐसी कोई बात नहीं है जी, वो अपने कामों से जा रही है, उनकी कुछ काम है तभी तो जा रही है। तो बोलते हाँ हाँ मैं बस मजाक कर रही थी, वैसे जाओ तुम लोग ध्यान से जाना और कांटेक्ट में रहना। तो बोलते हाँ ठीक है ज़रूर। तो जो है वो थोड़ी देर बात करके कॉल कट करके फ़ोन जो है पंखुरी के पास ले आती है। तो पंखुरी से एकदम से बोलती कि क्या बात कर रही थी तुम? तो बोलती कि वो ऐसे ही कुछ बातें थी। तो बोलती हाँ वही तो पूछ रही हूँ मैं, क्या बातें कर रही थी? तो बोलती वो तभी एकदम से पलक बोलती तू क्या CID बन रही है, थी होगी इन दोनों की कुछ बात, अब तुझे हर बात की
इतनी तलब होती है जानने की, तो जो पलक है वो उस चीज़ को जो है हैंडल कर लेते हैं ताकि वो ज़्यादा ना पूछ पाए। इधर जो है एकदम से अनाउंसमेंट होती है फ्लाइट की, जब अनाउंसमेंट होती है तो मायशा जो है पंखुरी जो है वो अपनी सूटकेस पकड़ के जो अंदर जाने लगती है, तभी जो है अबीर बोलता है अरे ये सूटकेस कौन लेगा। तो मायशा पंखुरी एकदम से बोलती है ये मेरा सूटकेस है, मैंने इसको ले लिया, अब वो किसका है। तभी जो है मायशा जो है एकदम से वो सूटकेस लेती है, और अबीर जो है पॉकेट से जो है उसके पास थे ना जो पासपोर्ट और वो वगैरह, तो उसको देती है। तो माया पंखुरी जब ये देखती है तो शॉक हो जाती है, वो एक तक मायशा की तरफ देख रही थी। तभी वहाँ पे फिर से अनाउंसमेंट होती है, तो जब अनाउंसमेंट होती है तो अबीर एकदम से बोलते हैं मायशा जल्दी जल्दी अंदर जाओ, हम लोग जा रहे हैं, तुम लोग अपना अपना ध्यान रखना जल्दी से। तो आती है मायशा को हक करती है, पंखुरी का हक करती है, पलक भी ऐसे ही करती है, और एकदम से जो है पलक मायशा को जब हक करती है तो बोलती है देखो उसका ध्यान रखना, कोई गलती मत करना, वरना इस बार अगर मैं तुमसे गुस्सा हो गई ना, तो मायशा एकदम से बोलती भाभी नहीं होगी गलती। तो जो है वो वहाँ से बोलते हैं और ये लोग जो है वहाँ से चले जाते हैं। इधर पंखुरी बस एक टक मायशा की तरफ देखने लगती है, तो मायशा तो बोलती क्या हुआ आप ऐसे क्यों देख रही हो। तो बोलते तुम मेरे साथ जा रही हो। तो बोलते हाँ जी मैं आपके साथ जा रही हूँ। तो बोलते लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं। तो बोलते वो सरप्राइज था आपके लिए। तो बोलते अच्छा सबको पता है बस मुझे नहीं पता, और तुम सरप्राइज की बात। तो बोलते मैं तभी वो मैडम बोलने वाली थी कि चुप हो जाती है, फिर बोलती है कि पंखुरी जी ऐसी कोई बात नहीं है, अगर हम ऐसे बहस करने लगे ना तो फ्लाइट मिस हो जाएगी, और मुझे ना पता नहीं कहाँ जाना है क्योंकि मैंने कभी फ्लाइट में जर्नी नहीं की है, ट्रेवल नहीं की है। तो पंखुरी बोलती कभी नहीं की है। तो बोलती नहीं दूसरी सिटी से कभी कभार मैं चली जाती हूँ लेकिन आउट ऑफ कंट्री नहीं गई ना कभी। तो बहुत अच्छा तो चलो। तो जो ये लोग जो है जाते हैं अंदर जाके जो है सब लोग ठीक ठाक करके, जब ये लोग जो है पहले सूटकेस जो है वो देते हैं, फिर ये लोग जाके जो है प्लेन में बैठते हैं। मायशा को थोड़ी थोड़ी सी घबराहट हो रही थी क्योंकि उसने ट्रैवल किया है प्लेन में लेकिन सिर्फ एक दो बार, वो भी दूसरे से आउट सिटी आउट ऑफ सिटी जाने के लिए, लेकिन आउट ऑफ कंट्री वो कभी नहीं गई। और इतनी लॉन्ग जर्नी तो उसको थोड़ी थोड़ी सी जो है घबराहट सी होने लगती है। तो जब लोग ये लोग प्लेन में बैठते हैं तो प्लेन जब उठती है तो एकदम होते हैं ना थोड़ी सी, तो उस चीज़ से जो है मायशा एकदम से जो है साइड पे रखी थी पंखुरी की, जो पंखुरी साथ में बैठी थी तो एकदम से उसकी हाथ पकड़ ले, तो एकदम इतनी कस के पकड़ती है और अपने आंखें बंद कर लेती है मायशा। जब पंखुरी उसकी तरफ देखती है तो समझ जाती है कि इसको घबराहट हो रही थी, तो वो कुछ नहीं बोलती। और जो मायशा है वो इतनी कस के पकड़ती है तो उसे खुद ही नहीं पता कि उसने मायशा पंखुरी की हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ी है। तो जब ये लोग जब थोड़ी देर बाद जो है प्लेन एकदम एडजस्ट हो जाता है तो जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल होती है, तो जब नॉर्मल होती है तो एकदम से उसकी नज़र जाती है पंखुरी की हाथ पे जो इतनी कस के पकड़ी थी, वो उसमें थोड़ा सा निशान आ जाते हैं। तो जब वो देखते हैं तो बोलते एकदम से बोलते वो सॉरी सॉरी वो मैंने मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया, आपके यहाँ पे निशान आ गया, जो चोट लग गई मेरी वजह से, आई एम सॉरी। तो ये जब बोल रही थी तभी एकदम से पंखुरी बोलते मायशा चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रही है, ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे, ये कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ एकदम,
मुझे दर्द नहीं हुआ है, तुम रिलैक्स करो, ऐसी कोई बात नहीं है, ज़्यादा मत सोचो। तो एकदम से माइशल पर आपकी यहाँ पे तो बोलती कुछ नहीं हुआ, ये ठीक हो जाएगी, रिलैक्स करो। क्या मैं तुम्हारे हाथ पकड़ सकती हूँ? तो मायशा बोलती कि हाँ, तो जो है तो पकड़ती है। वैसे ही जो है ये लोग तो फ्लाइट में बैठी रहती है, तो करीब एक घंटे बाद जो है पंखुरी को थोड़ी थोड़ी सी जो है नींद आ रही थी, तो एकदम से जो है वो मायशा की शोल्डर पे सर रख के वो सोती है। और वैसे ही एक हाथ से वो मायशा की हाथ को पकड़ के हुए ही ऐसे ही सो जाती है। मायशा एकदम से देखती कि ये तो सो रही है, तो थोड़ी सी और उसे कंफर्टेबल करने के लिए अपनी तरफ और थोड़ी सी खींचती और उसे अपनी शोल्डर पे ठीक से जो है एडजस्ट करके रखती है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और ऐसे ही जो है वो भी कुछ देर बाद जो है वो आंखें बंद कर लेती है। करीब 2 घंटे बाद जो है वहाँ पे जो एयर होर्सेस है वो आते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से खाने का कुछ होता है ना। तो जब आते हैं वो लोग तो जो है खाना देते हैं, ये लोग खाते हैं, उठ जाते हैं, खाते हैं और फिर वैसे ही बैठ जाती है। जो करीब 4-5-6 घंटे बाद जो है ये लोग पहुंचते हैं मुंबई एयरपोर्ट। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ये लोग तो इंडिया आ चुके हैं, आगे देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखना और अपनों का भी ध्यान रखना और ढेर सारा प्यार बांटना और हमें दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।